Hi, Tanuj. Hello, hello, Urvi. Sunny, hi. Hi, guys. Hi. कि आज भी वो इतनी क्रिएटिव ड्रेस पहन के आई थी एंड आई वाज लाइक ओनली Urvi कैन पुल इट ऑफ. हाउ आर यू गाइस फीलिंग? ग्रेट. लेकिन एक सेकंड, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. तुम सब यहाँ खड़े हो, आप तीनों यहाँ इतनी सुंदर लड़कियां ऐसे कोने में क्या कर रही हैं? व्हाई? व्हाट हैपेंड? सो अकॉर्डिंग टू दीस थ्री बॉयज, दीस आर द थ्री गर्ल्स दैट वर द मोस्ट अनडिजायरेबल फॉर देम. अनडिजायरेबल? Are you serious right now? Because if they were desirable, they would be standing over there. There. To them. इन तीनों लड़कों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने इन तीनों को undesirable बोला. अब मैं यहाँ पे क्राउन पहन के आई हूँ तो ऐसे ही तो नहीं अपना ताज लटका के आई हूँ ना. लकी को अनलकी और अनलकी को लकी बना सकते हो. इस चैलेंज में आज तीन ट्रायोज नहीं है, छह ट्रायोज है. So girls, this means that you also get to pick two squeezes to help. Karma is a bitch. So Harsh, I don't think you were very happy with your decision, but thank you. Thunder, stolen. So Kashish, we'll start with you. हमें ये मौका मिला कि अब हम वो challenges कर सकते हैं, अपने partners choose कर सकते हैं. तो Urvi, आप आए यहाँ पे और पहले दिन पे हिला डाला पूरे शो को. अभी तो शुरू ही नहीं किया है. जाने से पहले एक लाइन तो कहनी है मुझे. कुछ भी करना, सब कुछ करना, लास्ट मत आना. अब मेरे दिल पे यार ऐसा जोर का धक्का पड़ा कि यार आज कुछ भी हो जाए, आकृति तुझे लास्ट नहीं आना है. प्लीज बाय बाय गाइस एंड excuse me please. Wow. So splits villains, let's get to the challenge. Aaj ka challenge ka naam hai double date trouble date. Pools ke dono taraf ek ek date set up hai aur beech mein hai wo slides. Your squeezes will be sitting on the top in the date setup and all you have to do is what you do on a normal date. Flowers, cakes, lovey-dovey, like cute little sayings or something you want to say to each other. पर ये आसान तो नहीं है. जैसे ही आप अपने डेट के पास जाओगे, we're going to start the timer. You cannot be late for your date. And you know how she's going to call you? She's going to go, oh, baby. Baby! 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 And remember, the first trio to take a selfie in the photo booth win. So actually, में ये real life scenario होता है जब लड़के double date करते हैं. तो I think ये बहुत best challenge है. Let's go. Let's do this, guys. Don't forget, baby, baby, baby. Baby, I'm coming. Start. Baby! 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 Oh, 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 baby! Baby! Jaldi, jaldi, jaldi. Just come on! मेरे साथ और ज्यादा अगर तुमने खाने के साथ रोमांटिक चीजें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. दो लड़कियां एक लड़के को बेबी बेबी बुलाएगी, ये क्या चल रहा है? इस साल कुछ खास होने वाली है, तेरी मामी साल होने वाली है. मैंने बोला कि मौका भी है, दस्तूर भी है, एक लाइन मारी देती हूँ उसको कि ये साल कुछ खास होने वाली है, लगता तेरी माँ मेरी सास होने वाली है. बेबी हर्ष,
कम बैक। हाँ से मैंने सुना रुशाली मेरे को बोल रही है बेबी कम बेबी कम बेबी बेबी। तो मतलब अब तो मैं टास्क भी हार गया ना, तो बेबी बेबी सुन के तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई। अब इससे अच्छी चीज तो मतलब हो ही नहीं सकता। यश स्वीट हर्ष स्वीट कम ऑन बेबी जल्दी आओ आ जाओ बेबी 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 कम ऑन गाइस कम ऑन गाइस कम ऑन कम ऑन और दोस्त चले आ लो स्लोली 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 स्लोली। अब इससे ज्यादा क्या ही गिरूंगा मैं उसको इंप्रेस करने के चक्कर में। मैं गिरा हुआ इंसान बन गया, पता नहीं सकता मैं कितना ब्लश कर रहा था। तू ना फिसल रहा है यार। जस्ट जस्ट पुट द प्लास जस्ट पुट द प्लास। माय बेबी कहां हो तुम, जल्दी आ जाओ, मेरी इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। अरे आ रहा तेरा बेबी, रुक जा। आराम से शिवे दीदी, आराम से आराम से आराम से, स्लो डाउन स्लो डाउन। गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब भाई, कम ऑन कैरिंग ऑल द आइटम्स अप देयर। हाथ से लगा लूं? नहीं मेरे को दे दे, मैं लगाती हूं। इतना बड़ा केक, ओह माय गॉड, किसी ना किसी तरह हमने फटाफट से केक बनाया। केक ले आओ केक ले आओ केक ले आओ केक 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 बेबी केक 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 आओ, मैं खाऊंगी, कम ऑन कम। जशवंत बहुत काम था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में कि एटलीस्ट मुझे एक ऐसा कनेक्शन मिल रहा है जो थोड़ा काम है, थोड़ा दिमाग से सोचता है। अच्छा से केक बनाएंगे, खाएंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और प्यार करेंगे। कैसे कर रहे हैं, अच्छे से खाना की नहीं खाने की, कुछ भी खिलाएगा मेरे को। कम ऑन बॉयज कम ऑन कम ऑन, यू गॉट दिस। व्हेन इट कम्स टू द केक वी हैव जीरो एटिकेट, हम ऐसे हाथ धो के ऐसे खा रहे थे, हम एक दूसरे को खिला रहे थे केक। बहुत मजा आया व्हिप क्रीम के साथ। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद व्हिप क्रीम बाय द वे, जस्ट लेटिंग यू नो। लाइट स्विच हर्ष स्विच जस्ट स्विच हर्ष, गेट द केक जल्दी लेके कैसे जाऊं? बेबी जल्दी आओ। प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही मैं केक का सामान उठा के जा रहा था, उसका स्प्रिंकलर सारे गिर गए और मेरे एब्स पे चिपक गए। इसको के तेरे पे लगा है, तेरे एब्स पे लगा है। ऊपर से रुशाली मेरे से कह रही, कोई बात नहीं बेबी, आजा आजा यहाँ से ले लेंगे। इसी के लिए तो मैं आया था, एब्स ले लो, बिस्किट ले लो, सब ले लो, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। जल्दी 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 जल्दी। फिर अरिका के पास गया क्योंकि केक बहुत बड़ा था, खत्म हो ही नहीं रहा। केक खाना चालू किया और केक मेरे गले में ऐसे फंस गया था, बिकॉज वो केक बहुत ज्यादा ड्राई था। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। मुझे लगता है कि आकृति काफी भुक्कड़ है क्योंकि बहुत खाती है। पकड़ पकड़ स्विच All three of you, switch, switch, switch. Come on, come on, come on, come on, come on, switch. Bring me the shaker, hurry up. Jaldi, 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 jaldi. Come on, bring me the shaker, bring me the shaker. Bring me the shaker, bring me the shaker. अगर टास्क खत्म हो गया, चैलेंज खत्म हो गया, you got to get both your squeezes, नीचे लेकर आओ. Hit the selfie. Yeah. Come on, baby, come on. Come on, baby. जैसे हमने केक खत्म किया, मैं रुशाली को लेके नीचे भागा, फिर मैं फटाफट भागा और इतनी देर में मैं देख रहा हूँ कि जशवंत भी लेके भाग रहा है। चल 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 करने 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 कम ऑन बॉयज कम ऑन कम ऑन। And I and Harsh, like as a team, we did really well and we won the challenge. उर्फी ने कहा था कि कुछ भी कर लेना पर इस चैलेंज में लास्ट बता। अब मेरी ना बचपन की आदत है, मुझे कोई चीज करने को मना करो मैं वही कर देता हूँ। Now it was time for us. मेरे छोटे छोटे कंधों पे काफी प्रेशर था, मैं उस दिन का हॉट टॉपिक थी, तो आई हैड टू प्रूव दैट आई एम नॉट ऑल टॉक्स एंड नो शो। पहला चैलेंज था और मुझे बिल्कुल जीतना था इस चैलेंज को, तो मैं तो ऐसे हो गई थी पानी में आग लगाते हैं इस बार और जीतते हैं इस चैलेंज को। ओह ये ओह माय ओके ओके कम ऑन
निधि स्लिप और वो जो स्लिप हो रही थी वो मुझे भी लेके जाने की कोशिश कर रही थी नीचे। भाई देखो खुद गिरूंगी दूसरे को भी लेके डूबूंगी, वही हाल हो गया था। निधि पहले वो मेरे पास लाती है बुके और हमारा बुके 20 सेकंड के अंदर हो जाता है तैयार और हम सबसे आगे थे। बेबी ओ कशिश बेबी, कशिश बेबी, बेबी कशिश बेबी, बेबी कशिश, कशिश बेबी, बेबी कम ऑन। मैंने अरबाज को इतना खूंखार 6 फुट 4 इंच ऐसे देखा है पर ये बंदा वहां बैठ के ट्वर्क कर रहा है और ओ बेबी बेबी चिल्ला रहा है। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ओ कशिश बेबी, कशिश बेबी, ओ बेबी बेबी, बेबी कम ऑन बेबी, कशिश बेबी, यस बेबी आई एम कमिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये आराम से इशिता, इशिता जल्दी बेबी, जल्दी आजा बेबी, जल्दी आ जल्दी। अरे कशिश मेरे को सामान तो ला के दे मेरी जान। Okay, कशिश स्विच। Go baby, go, 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 go. अरबाज ने काफी एंटरटेन किया जब मैं दूसरे बंदे के पास थी। Yes, yes, yes. Come on. जा तू जा, जा दे जा। जल्दी, जल्दी, जल्दी वो वहाँ भी आ गए यार। Nidhi, switch. Ishita, switch. Go on, baby. Faster, yes, yes, baby. Aja, 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 aja. Yes, come on, baby. बड़ा क्यूट लग रहा था जब अनिकेत मुझे ऐसे बेबी करके बुला रहा था, वैसे ही वो कुछ नहीं बोलते तो चलो कुछ तो उसके मुंह से निकला। Yes baby. Yes baby. Love is for you. Yes baby. My love is aggressive. Yes baby. You're feeling it. Yes baby. All for you. मेरे को बहुत मजा आ रहा था, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं चैलेंज परफॉर्म कर रहा हूँ, बस मैं चैलेंज एंजॉय कर रहा था। Go on, baby. Yes, we're almost done. Baby, baby. Aste, aste, aste. Do my chal. Chal, baby. Come on, come on, come on, baby. Oh, baby. Baby, come on. Ishita, Ishita, Ramse, Ramse. Ishita, Ramse. Come on, Ishita, let's go. Ishita, Ramse. Sara saman matla. Sara saman matla. Aramse, 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 Aramse. Come on. केक का सामान इतना ज्यादा था, पहले चढ़ते चढ़ते वो मेरे हाथ से गिर भी गया था और मैं ऐसे थी कि भाई गया केक, इस घटिया से केक कब मैं खिलाऊंगी एडी को। आराम से अबे यार मोती की माला भी टूट गई। अरे वो पहले से ही टूट गई थी। चलो 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 चलो, टाइम खत्म होने जा रहा है, टाइम खत्म होने जा रहा है, लेट्स गो। बेबी छुरी नहीं लाई, कोई बात नहीं आ जा लाई। है अरबाज का साइज देख के मुझे ये तो पता लग ही गया था कि खा तो बोलेगा। मैंने काफी स्मार्टली खेला, मैंने केक लिया और अरबाज को दिया कि जब तक मैं उधर ये निपटा रही हूँ तुम केक खाओ। बेबी गुड जॉब। निधि स्विच। निधि ने अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। निधि ने बहुत जल्दी सारा काम किया, सारा सामान उठा के सीढ़ियां चलना, जबकि वो इतनी ज्यादा स्लिपरी थी। कितनी प्यारी बेबी है मेरी। ओ अल्लाह, चाकू दे, चाकू दे। खाना है भैया, जल्दी खा। कम ऑन, ईट इट। ओह यस, कम ऑन, दैट्स हाउ यू डू इट। गो कशिश, लेट्स गो। अरबाज सारा खा जा। अरबाज इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, बताओ केक खाना है? उसके एक हाथ जितना था वो केक, उसने 2 बाइट में खत्म कर लिया वो केक। जल्दी 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 जल्दी। अबे जल्दी फास्ट कर यार। बेबी क्या था? बेबी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना है। मुझे ना तो आयुष्मान को देखना है ना ही देवकरण को देखना है, जितना मैं परफॉर्म कर सकती हूँ मुझे खुद ही परफॉर्म करना है। क्या बचा निधि? कम ऑन गाइस, रनिंग आउट ऑफ टाइम। देवकरण कम ऑन, फूस फूस के खा। कशिश
आदित और अरबाज का चीजें पूरी हो चुकी है और वो देख के मैं हो जाता हूँ हैरान क्योंकि हम उनसे काफी आगे चल रहे थे। ओके कम 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 अरे चला टिकट आ गया। हमारा केक वैसे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, मैंने देव को पकड़ा और मैंने कहा चल भाई उन्होंने भी केक आधा छोड़ दिया है। मेरे लिए वो जीत काफी जरूरी थी, काफी चर्चे हो गए थे मेरे बारे में और अगर मैं परफॉर्म नहीं करती तो हर किसी को एक बहाना मिल जाता कुछ बोलने का कि ओ ये तो सिर्फ बातें करती है ऐसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। कुछ फोटो का लॉजिक था नहीं क्योंकि मैं लास्ट आ चुकी थी और मैं बहुत सैड थी उस चीज को लेके एंड उर्फी ने बोला था कि लास्ट मत आना और हम लास्ट ही आए थे। चैलेंज जीतने के बाद एज विनर्स मी अरबाज एंड कशिश हम विला वापस आए, बाकी सब बाहर में जाए। हम लोग एक रूम में गए एंड वी वर लाइक कि अब चलो डिस्कस करते हैं आज क्या हुआ है। कशिश तो मानना पड़ेगा तुझे बहुत मजा आया, मुझे काफी भाव मिल रहा था हर कोने से। कशिश 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 आई डिड माय पार्ट गाइस, नाउ इट्स योर टर्न, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू योर पार्ट। अगर तेरी खनकी ना तो मैं तेरा खनका दूंगी। अगर मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी आती तो ऑब्वियसली आई वुड हैव स्टक टू माय वर्ड। आगे आगे का बात करते हैं, हरामखोर आगे का बात करते हैं। आगे थोड़ा जान तो लो मुझे, नहीं देखो कुछ अगर बात करनी है तो मुझसे पूछ सकते हो, यू डोंट हैव टू बी सो इनडायरेक्ट। तुम बात करो। हां किधर चले आप? आ रहा हूं अभी, ठीक है बात कर पाओ। मेरे को लग रहा था कि उसको शायद साइड स्क्वीज वाली फीलिंग आ रही है तो वो शायद चला गया। मैं देखो बोला दैट आई डोंट ट्रस्ट हर, डू यू नॉट वांट मी टू टॉक टू हर? यू आर लाइक कि सब इस पे डाल देती हूँ ताकि ये बोलेगा और फिर सब इस पे आ जाएगा। यू टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डज दैट वर्क? हाउ डज दैट वर्क? गाली खाऊंगा अभी देख। Oh my God, I looked at her face. I knew कि oh shit, अब दिक्कत होने वाली है। पर ये तेरा choice है ना कि तू उसको pursue करे कि ना करे। ये तो सही बात है, but तू responsibility तो ले कुछ। किस चीज की responsibility? If you need to tell me, if you are into me, if you want to talk to me, if you want to explore. Or you just want to play the game? मुझे ये नहीं समझ रहा। No, no, I want to explore while playing the game. हाँ तो ये इतनी देर से क्यों नहीं बोला था तूने? अब बोल दिया ना। हाँ, but तुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। Definitely not. मैंने आज आयुष्मान को भी सीधा सीधा इसीलिए मना किया कि I don't want to be that person. तुझे पता है कि इससे पहले मैंने एक पे स्टिक किया, मेरे लिए वो वर्कआउट नहीं किया। खाना क्या नहीं है, वो यहाँ पे आई और देख के चली गई। देख के चली गई? हाँ। मैं कॉन्वर्सेशन के बीच में था। ऐसा लगता है आदित्य, अगर तुझे क्लैरिटी चाहिए इसकी तरफ से तो मुझे लगता है दोनों को साथ में बिठा के तू बात करेगा ना तो चीजें क्लियर होंगी ना, क्योंकि हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी है तुम्हारा इसके साथ कनेक्शन है या तुम्हारा इसके साथ कनेक्शन है, क्योंकि ये हमारी दोस्त है। मैं क्लैरिटी नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को दोनों से बात करनी पड़ेगी एंड आई नो इट इज टू मच टू आस्क एट दिस पॉइंट क्योंकि सबने अपने कनेक्शन बना लिए हैं। इट्स ओके टेक योर टाइम, इट्स ओके टेक योर टाइम। कशिश आल्सो थिंक शी इज टोल्ड मी कि उसको कबाब में हड्डी नहीं बनना है, उसको पता है कि यहां नहीं। बाबा इट्स ओके, आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सब बकवास देखने के बाद मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। I was so done with that shit, especially Adit, because genuinely ये पॉइंट पे मेरे पास उसके लिए थोड़े एक्सपेक्टेशंस थे। I was so fed up, I was like मुझे बात नहीं करनी है। कशिश की मुझे एक बात नहीं, भाई सुन एक बात, मेरी रूममेट है, इसने क्या किया पहले किसके साथ बनाया कनेक्शन? आयुष के साथ, आदित को ले गई कल रात में, ठीक है, उसके बाद उसने अरबाज को भी घुमा रही है आज ले, और आज क्या हुआ, मैं अभी एडी से बात कर रही थी, एडी को भी ले गई, अब वो एडी को भी घुमा रही है, अब वो चार बंदों को वो कर रही है, वो चाहती है सारे लड़के कशिश 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 करें।
एडी अरे यार क्यों पूछ रहा है फिर वो जाके बोले दो मिनट कशिश से तेरी क्या बात हुई मेरी अच्छी फ्रेंड है वो क्या हुआ कशिश तेरे को लेकर कुछ बात थोड़ी हुई है मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट किया यू वर वेरी फास्ट हमें तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना ज्यादा अच्छा करोगे अब इसको पता नहीं कौन कह रहा है कि तू मुझे घुमा रही है इसको घुमा रही है और जो भी बात है किस किस को घुमा रही है पता नहीं मेरे को अभी पता लगा मुझे भी अभी पता लगा I don't know कब तुमने मुझ पे लाइन मार दिया मैंने तुमको घुमा दिया I don't know नहीं उसने बोला ना मेरे को मुझे नहीं पता उसे किसने बोले ये बारह बोला निधि तेरे को कौन बोला निधि ने बोले सी कर रही है उसे कि मैं इसको घुमा रही हूँ इसका मेरे को नहीं पता तो किसको घुमा रही हूँ तुम्हारी शक्ल पे एक एटीट्यूड है कि बोल बोल आई डोंट डील विद दैट Don't deal with it. I don't give a fuck about it. तभी आया है बैठने के लिए तभी नहीं मैं लेके आया हूँ मैं लेके आया हूँ तो बात तू ही कर रहा है तू ही कर रहा है तू ही हो रहा है मैं इतना तो घुमा रही है ना मेरे को बोल मैं तू प्लेयर है मैं तो हुई क्या बोली थी यार बात के लिए बात के लिए क्या बोली थी इसका बैंड लिया था ना तो मन कर था इसको बैंड लेके गलती हो गई दूर से तो अच्छा दिख रहा है सामने से आई डोंट लाइक हिज फेस ऐसे बोला हाँ तो इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी और शक्ल आप लोग खुद देख रहे हो शक्ल अच्छी है या बुरी हो आपको भी पता है मैं तो भाई तेरे को भाई मानता हूँ तेरे से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम इससे मेरे को कि जो फ्लिप हो रही है ना मेरा फेस पसंद तू पहले फ्लिप हुआ उससे बुरा बुरा बोल रहा है मैं कैमरे में नहीं बोल रहा बोलना तू उसने ऐसी ऐसी चीजें बोली कि मैंने कहा जो मैंने कहा ही नहीं था जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल और काफी गलत थी पूरा विला जानता है तू कितना झूठ बोल रहा मुझे एक चीज का अच्छा लगा कि जिसके साथ मैं खेल रहा था उसके दिल में क्या चल रहा मुझे पता चल गया था तो मैं समझ गया कि भाई ये बंदी वो तो मैं अब नहीं रखूंगा साथ में तेरे को पता है मैंने अभी तक कुछ उल्टा नहीं बोला तेरे बारे में अरे तू बोल भी नहीं सकती तू बोल भी नहीं सकती मैं 100 चीजें बोल सकती हूं मैं बोल नहीं रही हूं क्योंकि मेरी फटी है क्योंकि मैं सब कुछ नहीं बोलता जो बोलना है तेरे जैसे पीटी से जब मैंने बात की ना तू और मैं कॉन्फिडेंस में बात कर रहे थे आई वाज सच ना स्टैंडर्ड तू पता है हगर रहा है हर जगह हगर है अपना दिखा रहा है ठीक है पलट कैसे नहीं पलट रही हूं यार ये ऐसे कैसे मतलब आईडी के सामने बात हुई एक सेकंड मैं पहली बात तो अगर मैंने तेरे से कोई बात शेयर की है हर जगह आके हक क्यों रहा है मेरे को बोला एडी से बात जानना था उसने क्या बात की है बेंचो बोला मैं तेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी चीज का मतलब यार उसने मुझे तेरे सामने ही तो बुलाया था मैंने हर मैच से मेरा खराब कर रही है मेरा हर मैच जो मैच बनता है उसको ले जाती है ये नहीं बुला ले देव को अभी बुला के ले क्या सो निधि लेट मी जस्ट क्लैरिफाई मैं किसी के पास नहीं जाती तुम जिस लड़के को पसंद करती हो वो सारे लड़के मुझे पसंद करते हैं दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम आई एम जस्ट बेटर दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम भाई तेरा क्लास में क्या दिख रहा है तभी तेरा को हंस रहे हैं तेरे डिजायरेबल तभी तू है हां लीस्ट डिजायरेबल भाई तब भी जीत दी मैंने बोल क्लास के जिसको हर कोई लात मार रहा है वो बोल रहा है जस्ट बिकॉज़ आई डिड नॉट पिक यू फॉर वन फकिंग टास्क तुमने अपनी औकात दिखा दी ना एंड आई एम ग्लैड आई एम फकिंग ग्लैड आई डिड नॉट पिक यू इवन आई एम ग्लैड तेरे से मेरा लड़की से मेरा नहीं जम सकता मेरा फर्स्ट चैलेंज मैं जीत के आई हूँ मुझे 10 मिनट ये चूतिए लोग खुश नहीं होने दिए आयुष्मान अधर भौंक रहा है इधर से निधि अलग चिढ़ी पड़ी है मेरा दिमाग खराब हो गया था उस मोमेंट में तो मैंने कहा कि ठीक है अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा Have no romantic connection. I but know. If you want to go ahead with it, you're my friend. But he's a strong contender. अगर उसको कहीं रहना है, तो he back up with you. Yes. But how did you say that? पहली बात रोना बंद कर. Okay. ठीक है. Don't. ठीक है. तो मेरे को बात भी नहीं करनी. अगर तू इतना वो दिखा रही है ना तो भाई मेरे भी वो चीज़ है. बोला मैंने. देखो पता है आयुष्मान और मेरा क्या सीन है. मुझे पता है. आदमी है. मेरे को पता है. तू मेरी रूममेट होके मेरे को रोज़ बोल के कि मैं तेरे साथ रहूँगी पल ढंका रहा. यार मैं अभी भी यही चीज़ बोली मैं कशिश. निधि ये वो कुछ नहीं कहा है. And you told him all of this. यार मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सॉरी वाली बात. हाँ इतना कुछ हो गया था मिक्स्ड इमोशंस थे मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं अरबाज के बारे में लेकिन नेशनल टीवी पे मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा जा रहा था कि मैं इतने मीन कमेंट्स करती हूँ मैं मीन चीज़ें बोल सकती हूँ बट मैं बिलो द बेल्ट चीज़ें कभी नहीं कह सकती हूँ कभी भी नहीं नॉट माई थिंग
हम लोग जैसे ही डोम पे पहुंचते हैं, कितना प्रिटी लग रहा था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ टीवी में ही देखा था डोम। जैसे हम एंटर करें, I was like, what is this place? कौन सी स्पेसशिप में आया हूं, बिकॉज इट लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग आई हैव एवर एंटर्ड। इट्स क्रेजी टू सी लाइट्स यहां वहां, ओरेकल, दैट्स वेयर यू नो ड्रीम्स कम ट्रू आई गेस। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी क्योंकि सबको पता है डोम इज द ओजी पार्ट ऑफ स्प्लिट्सविला। ये जगह बहुत हैपनिंग है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आज होगा जैसा कि हमेशा होता है। Splits villains, welcome to the very first dumping of MTV Splits Villa 15. Co-powered by Numi, Fix Derma, Shadow Sun Protection, and Wildstone Deos and Perfumes. What do you think of this dome, guys? It's very pretty. It's very really beautiful. Nice. It's very nice. What do you think this is? ऐसा लग रहा था कि आप कोई बड़े से बॉलीवुड मूवी के सेटअप पे आ गए। सनी ये तो मैं समझ गया ये क्या है, पर ये राइट में जो बॉक्स है वो क्या है? So in this year's Splits Villa, this is our very very new element, which is our mischief box. We'll tell you about our new explosive mehman when the time is right. I was sure that that mischief box had something to do with Urfi. Let's talk about today's challenge. भाई पहले तो अरबाज भाई क्या नाच रहे थे यार, जैसे मूव वो चल क्या रहा था यार। मैं होस्टिंग करने आया, आई लॉस्ट माय फोकस एंड कंसंट्रेशन। सर एक बार बताओ, 100 किलो का आदमी 35 किलो का बम लेके हिलाएगा तो प्लीज एक बार करो ना। कर लो ना, तुझे पता तुझे करना है। सनी मैम ने बोला था सनी मैम के लिए, ठीक है। Who can copy his moves best? Sab log yaar, come on, join in, come on, boys, come on, yeah. Baby. Kashish. Yes, ma'am. Hi. Hello. ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ विला में। बहुत घुमसुम से लग रहे हो। हुआ है, हुआ है। क्या हुआ है? Actually क्या है ना, मैं कशिश को बहुत अच्छी समझ रहा था, बट मेरे को कुछ ऐसा पता चला किसी के मुंह से कि भाई जब कशिश ने देखो बैंड दिया, उसके बाद कशिश बोल रही थी कि मैं पछता रही हूँ इसको बैंड देके। जब दूर था तो अच्छा लग रहा था, जब पास आया तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगी, इसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं लगा, और बोल भी नहीं पाता है। तो उस टॉपिक को लेके अगर पहले मुझे आके डायरेक्ट ये बोलती कि अरबाज मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं इसे 10 फीट दूर रहता, मैं जाता ही नहीं, ना बात करता ना जाता, क्योंकि मेरे को मेरे से प्यार है। अच्छा दिखने की बात है तो मेरे को पता है मैं अच्छा ही दिखता हूं, रही बात ड्रेसिंग सेंस की तो सबके सामने है। आज तक हिस्ट्री में स्पीड से लगी ऐसे नहीं हुआ होगा, मैंने 12 बैग लेके आया हूं, वो भी बड़े बड़े बैग कपड़ों के, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा सच्ची में। और रही बात बात करने की, तो बात कर रहा हूं अभी, बात कर रहा हूं तभी यहां हूं। ओके सो कशिश, इनके एक्यूजेशंस के बारे में क्या कहना चाहते? जब हम कल भी बैठे हुए थे बाय द पूल, मैंने इसको यही बोला था कि यार जो आउटफिट दैट यू वेयर द ग्रीन पैंट्स, दे वर सो टैकी। मुंह पे मैंने बोला कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। फर्स्ट डे इसने हमारी बहुत कम बात हुई, बहुत ही कम। तो मैंने इनफैक्ट मैंने उसको सामने से भी बोला कि यार तू तो मेरे से बात ही नहीं करता, मेरे को ही बार बार आके करना पड़ता है। थोड़ा हिंदी में भी बोल देना ताकि मेरे भी लोगों को समझे जो देख रहा है मेरे जो पॉइंट है, ठीक है। इसने बात भी उसकी मानी जिसके बातों की वर्थ फेक सेकेंड हैंड एबीबास शूज से भी कम है। आयुष्मान
आप ही पास हो? सबसे पहले सर इसने मुझे बोला कि मतलब तूने मुझे बैंड नहीं दिया, बोलती जिन जिन को दिया है उनको दे के ही पछता रही हूँ। मतलब किसको? बोलती मैं नाम नहीं लूंगी, बट दूर से लंबा सा दिख रहा था, पास आया तो शक्ल ही अच्छी लगी, बात भी नहीं कर पा रहा था। I didn't mention the face. I mentioned I did not say that line. Exactly. नाम नहीं लूंगी। तो बिना कहे कह दिया। हाँ। मेरे को वही प्रॉब्लम थी कि जब ये सब बातें थी तो मेरे को डायरेक्ट आके बोल देती, तो मैं खुद वो चीजों को नहीं करता। But if everybody did that direct, let me tell you, the world would be a better place. Kashish, you wanted to say something? इन सब के बीच में I came out looking such a terrible person for such a terrible thing, which did not happen. If I utni kubat hai mere mein ki I own up to it. I have to own up to shit that I do. Had he just asked me even once, main to bolti na kya hai? Agar koi galti hui, you should just say I'm sorry if that's how you felt, but that's not what I said. And let's just finish this topic. It was a misunderstanding. Okay, take you it. Should have believed me. Take it. I didn't mean it like that. Okay. One bit. Okay. Sorry. Okay, thank you. And you are a sore bloody loser. Fucking douche. तेरी बातों पे ध्यान नहीं देता है कोई, अभी तेरे बारे में बात होती है। नहीं दिया होता ना तो आगे पीछे नहीं मंडरा रहा होता, दुम हिलाते हिलाते चूतिया। कनक, what would you like to say? आज जब ये तीनों रूम में बात कर रहे थे तो मैंने एंटर किया था, very strategic move. मेरे को पता थे लोग बैठे हुए, अरबाज ना के मेरे को बता दिया था, तो मैंने बोला ठीक है मैं जाके थोड़ा मस्ती करती हूँ. तो मैं गई अंदर, मैंने बोला ओ आप लोग बैठ के बात करो, ठीक है ठीक है कंटिन्यू, फिर मैं चली गई. फिर उसके बाद आपकी कान वही रह गए. मुझे सब पता रहता है. फिर मैं गई और मैंने मेरे को एक्चुअली आदित से बात करनी थी, क्योंकि वो कशिश के साथ थे, मेरे को लगा कि उनको पहले आके मुझसे बात करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग टू कशिश. पर मैं कशिश को ब्लेम नहीं कर सकती बिकॉज आदित इज माई कनेक्शन एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, नॉट फ्रॉम कशिश. क्योंकि पहले जब मैं और आयुष्मान की बातें हो रही थी कि हमें एक्सप्लोर करना है दूसरे लोगों को, एक सेकेंड आदित, उसने कशिश को बोला कि मुझे भी एक्सप्लोर करना है. मैंने भी आदित को क्लियरली बोला कि मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि यार ये शो है, हमें करना है, हम करने आए, वांट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स. तो मैंने आदित से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी. सर मेरे हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मेरे को कोई हक करे, थोड़ा अच्छे से ट्रीट करे, मेरे लिए पिल्लो ऐसे संभाल के रखे, मुझे ठीक से बिठाए, मैं मान जाता हूँ कि इसको एक्सप्लोरिंग से ज्यादा हो गया, ठीक है. एट दिस पॉइंट अगर तुम एक्सप्लोरिंग में ये सबके साथ कर रहे हो तो वो एक्सप्लोरिंग नहीं है. At this point, you should explore one person. वो छेड़खानी कहते हैं. ये छेड़खानी हो रही है अब मेरे साथ, ठीक है? लड़कों के emotions के साथ. हाँ, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं मेरे को अच्छा लगता है कोई ऐसे एकदम अच्छी ट्रीटमेंट दे तो, ठीक है, तो मैं मान जाता हूँ. मैं बस ये बोल रही थी कि जब हम दोनों ने क्लियरली अपने कनेक्शंस को या जिसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे बोला था कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी, और मैंने बोला कि मैं आपको कल तक डिसीजन दूंगी कि मेरा क्या ऑप्शन है और मेरा क्या माइंड सेट है. आई एडमिट कि उसने बोला था कि मैं कल तक डिसीजन दूंगी, पर कल ही चैलेंज भी है, तो मेरे को ना एंड मोमेंट तक अटक के रहना पसंद नहीं है. हमारा एक्सप्लोरिंग वाज जस्ट कि हम चैलेंज साथ में करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि हम सेफ बैठे एंड हम यहीं बैठे. बट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जब एक्सप्लोरिंग की बात हो रही थी, आई वॉज ओके विथ एक्सप्लोरिंग कि अगर वो उससे बात करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो किसी और से बात करे, पर जिस तरह से मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है, आई वॉज मैं बहुत स्वे हो गया था उससे, ठीक है. एंड फिर सडनली तुमको ऐसा लगे कि तुम एक ऑप्शन हो, वो चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो लोग एक बेड में साथ में बैठे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, उसके उसका सर उसके कंधे पे था, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता. जो तू बैठा था वहीं पे और तेरे सामने ही मैं आया था और तेरे साइड में मैं जा चुका था वहां से, उसके बाद भी मुझे देव ने आके बोला कि तुम एक दूसरे को खिला रहे हो. आई एम सॉरी ब्रो, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ भाई, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी कनेक्शन सिर्फ मेरे को खिलाए. ये थोड़ा पिलो किस्म का बंदा है ना. हाँ पर सर मैम, मैं आकृति और अनीका और देवांगिनी से बहुत क्लोज हूँ, तो उनको पता ही था कि मैं उनको डेली बोलती हूँ यार मेरे को आदित के साथ कुछ है, पर मेरे को क्लैरिटी भी चाहिए आयुष्मान के साइड से.
यार आयुष्मान के साइड से क्लैरिटी तो मत ही एक्सपेक्ट कर। नहीं यार मैंने दे दी थी। गलत इंसान से क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रही है। जिस बंदे को दिस गाय, हम लोग लंच कर रहे थे साथ में, इसने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या सीन है खनक के साथ, मेरी वो शॉर्ट लिस्ट में एकदम टॉप पे है, टॉप थ्री में है, ये सब बातें जब हो रही थी। शोभिता यू वर देयर, शोभिता टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। या ये बोला है यार उसने, तीन बार ये बोल चुका है कि मेरी शॉर्ट लिस्ट है, तुमने मुझे भी बोला था ये। शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ और शॉर्टलिस्ट है मैं, क्या डिफरेंस होता है? वी आर नॉट प्लेइंग विद वर्ड्स। जब उसने खुद बोल रही थी ना, अरे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि तूने वर्ड्स गलत बोले, इसका ये मतलब है कि तूने वर्ड्स गलत बोले। अभी मैं बोल रही हूँ कि तूने वर्ड्स गलत बोले, मैंने क्या चेंज करा? आपको समझ में आया कि शोभिता ने कहा क्या? बिकॉज आई थॉट शी वाज रैपिंग, यू नो। सर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, मुझे बस एक चीज नहीं सही लगी कि उसने मुझसे जब पूछा, मैंने बोला कि आई एम श्योर अबाउट हर, पर जब इसको पता है कि मैं श्योर हूँ एंड ये मेरा दोस्त है, ही स्टिल वेंट बिहाइंड माई बैक टू टॉक टू हर, एंड वो ट्राई कर रहा था कि अगर वो कन्फ्यूज है तो ही कुड मेक अ कनेक्शन, बट क्लियरली माई गर्ल मेड द राइट डिसीजन एंड शी केम बैक टू मी, एंड तब ये भाग के गया इसके बाद। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। We have two trials. Between the two trials, one of the trials will get a chance to go in front of the Oracle today. So our trials, you have to write one name जो आपको डंप करना है। So if you become an ideal match, that person goes home today. And splits villains on the dumping side in the danger zone. आपको पता है क्या करना है? You're going to put the name of the trio you would like to send to the oracle. Does anybody feel targeted today? Okay. So Splits Villains, do you remember when we said there's something here? Yes. That is just as unpredictable as our mischief maker? Yes. If there's someone who feels especially targeted and wants to open up our mischief box, you can. You want to open up? Ma'am, shaam thodi thandi hai, garam karte hain. So we'll open it, but we'll decide when that is. Kashish, please tell us the name that's on your card. Ayushman. उसके नीचे क्या लिखा है? हाँ, उसके नीचे क्या था? वो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। All right. Okay. Hello. I want to know whose name is on your card. Oh, fuck. Oh. आयुष्मान, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो uncomfortable हैं उससे. The way he talks or flirt. Even I felt somewhere that he was trying to flirt with me as well. I didn't raise the topic before, but when I heard from everyone, तो मेरे को लगा थोड़ा वो. If a girl is not comfortable, if she's ignoring, if she's saying a lot of time, then he should not talk with them. जो अभी बातें भी चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है, तो इधर की बातें उधर भी कर रहा है, जो भी misunderstandings create कर रहा है, I think ऐसे लोग यहाँ पर deserve नहीं करते हैं. There's only one person who can go home today. And that's you. If one of the trios becomes an ideal match, because you've been chosen by both trios,
So let's reveal the votes from the unsafe people. Let's start with Nidhi. Kashish, Arbaz and Adit. All right, next is Chilbul. Arbaz, Kashish or Adit? Addy boy, how about you? Harshali and Erica. Next is Kanak. Harshali, Harsh and Dr. Erica. Let me guess, Ayushman, तूने किसको किया होगा यार? Harsh, Rushali and Niharika. Harsh, Rushali and Erica. Rushali, Harsh and Doctor. My vote is for Rushali, Harsh and Niharika. वाह, तुम दोनों को नजर ना लगे यार. क्या बात है, hot shot couple. Okay, so अब पता चल ही गया है कि which trio is going to go to the Oregon. Yay! Push. May or Harsh, we were so excited. I was happy, genuinely happy, but I was quite nervous also. So, Harsh, I would like you to choose. लग रहा है कि रेड कार्पेट पे चल रहे हो, क्या बात है. तो finally, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे ओरेकल के सामने लेके गया. एंड जब हम वहां थे, जब हम ओरेकल के अंदर थे, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. इट्स अ ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक फीलिंग. So, इस साल, the mechanism is different. So, the only way the oracle works is if you place your hand and Rushali's hand together. And with your energy, oracle reveals whether you're an ideal match. So, I was feeling very, very special. हम दोनों साथ में खड़े थे, उसने मेरी आंखों में देखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हमने ऑरेकल पे हाथ रखा. ही लुक्ड एट मी एंड जिस तरीके से मुझे श्योरिटी दी अपनी आंखों से कि नहीं, कि मतलब अगर आज ये नहीं भी बनते हैं तो स्टिल, बट आई फील दैट वी स्टिल आर एन आइडियल मैच. ऑलराइट, गो अहेड. ऑरेकल, क्या हम एक आइडियल मैच है? The lights were blinking and my heartbeat was really fast and he was just looking into my eyes. I was looking into his eyes. सबके दिल थम गए थे कि यार क्या होगा क्या होगा. I was like just hoping कि हो जाए हो जाए हो जाए. Oracle के calculations के अनुसार Harsh और रुशाली आप एक आइडियल मैच हो. ओह माय गॉश, कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू एवरीवन. मैंने कहा भाई अब पंगे ले लो मुझसे, जितने लेने हैं. अब कोई मुझे इस विला में तो छेड़ नहीं सकता क्योंकि बाप बाप होता. With such amazing news comes some very sad news for someone. आयुष्मान, do you want to say anything before you go? इतना जल्दी जाने का एक्सपेक्ट तो नहीं किया था और मुझे लग रहा था मेरे रिलेशंस शायद काफी अच्छे हैं सबसे, कुछ को छोड़ के. आई थॉट maybe they also my friends but turns out they're the ones dumping me. I was not expecting. Well, both sides were dumping you. But before you go, we forgot something. Mm-hmm. Somebody asked to open the mischief box. Shivit said he wanted to open the mischief box, so let's open it. Okay. Portfolio. Hello. Hi. Ah, boy.
तो यहाँ भी पहुंच गया क्या? खोल दिया मैंने ये। हेलो स्प्लिट्सविलन के एक्सक्वीज़ेस, रेडी टू शेक थिंग्स अप इन स्प्लिट्सविला? आई एम श्योर यू आर। यस। आपका स्प्लिट्सविला जाने का वक्त नहीं आया तो क्या हुआ? यहाँ बैठे बैठे भी तबाही मचा जा सकती है, मजे लिए जा सकते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू, आई एम सेंडिंग यू गाइस अनदर मिस्चीवियस तोहफा, 6 स्प्लिट्स विलन्स की फोटोज, जिनमें से आपको सिलेक्ट करनी है कोई भी 3 फोटोज। क्यों? किस लिए? क्या होगा उनके साथ? वक्त आने पे सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए ऑल आई कैन से उन तीनों की किस्मत के धागे होंगे आपके सबके हाथों में in the very first dumping of splits. Everybody's a little scared. Let's see if there's anything else. There's a letter in there. Okay, guys. Let's see what this has to say. Mischievous calculations have come into play and trapped 3 out of the 6 that lost the challenge today. Ab in 3 mein se kaun niklega Splitsvilla se? I give you, Ayushman, the say. Not you. You. Ayushman. Back in the game. Oh my God. This is why Orphy said, don't come last. Ayushman, I would say, ye iska connection hai. एडी को सेव करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। दो आई एम कनेक्टेड टू हिम, बट तुझे भी पता वो तो नहीं स्विच करेगी ना। तुम कर सकती हो स्विच? स्विच वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा भी इतना एकदम वैसा बॉन्ड नहीं है। दे आर स्टिक टू ईच अदर। वो मेरी पिक्चर है ना, तो मैं तुझे यही बोलूंगी कि मैंने तेरे को अच्छे उससे ही इंटेंशन से हमेशा तेरे को समझाया है, तो तू सोच समझ के ही डिसीजन लियो। अभी जैसे इशिता ने कहा कि मेरे को सेव करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो तेरे पे है। बाकी मैं अदर देन दैट मैं अपने लिए तो पिच करूंगा ही, क्योंकि मुझे रहना है भाई। बाकी मैं अनिका के लिए भी बोलूंगा, क्योंकि ये देख शिवी से मेरा काफी अच्छा बॉन्ड है भाई उसका, क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन बन रहा है। मैं से इतना वर्ड दे सकता हूँ, ऐसे छोड़ेगा तो मैं तेरा नाम कभी लिखूंगा। सपोर्ट में रहेगा भाई। तो ऐसे तो मैंने लिखा था, आयुष्मान आई रियली वांट टू से, मेरी तुझसे भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हमारी जो बातचीत हुई थी वो तो नहीं हुई है अभी, मेरी शिवेत से हुई है। पर सीरियस, मैंने उस दिन हम खनक के साथ बैठ के बात ही कर रहे थे। क्या बात कर रहा है ब्रो? उस दिन हुई थी, बहुत अच्छी। यार मेरी तो तुझसे डायरेक्ट बात हुई है, तो किसी और के बेसिस पे क्या कर रहा है भाई? ये भी तो देखना, कुछ भी निकल सकता था शिवेत, ऐसे कोई बात नहीं है। उसको तुम जता नहीं सकता कि तेरी वजह से। नाउ द टफ चॉइस, अब किसको डंप करेंगे? सर एडी से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, एंड श्वेत ने भी मेरी काफी हेल्प की है कुछ चीजों में, एंड अगर ये मुझे बोल रहे हैं दैट दे विल हैव माय बैक, इशिता का जो मुझे लगता है कनेक्शन जो बन रहा है जिसके साथ, द पर्सन डजंट लाइक मी हैज मेड इट वेरी क्लियर। तो ब्रो तेरे को कोई भी नहीं पसंद करता ऐसे तो भाई, वो प्रॉब्लम मेरे साथ है ना तेरे, हाँ, तेरे को उस बेसिस में इसको मत कर। तेरे को पसंद या करता कौन है तू मुझे ये बता। अभी बैक बोल रहे हैं भाई तेरे को, अगले दिन बाहर निकालेंगे जो तू अभी बोल रहा है कि दे आर हैविंग माय बैक। यही तेरे लिए अभी चढ़ रहे थे ना तेरे पे कि ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। आयुष्मान, हु आर यू पिकिंग टू डंप?
मैम आई डंप इशिता। एक डंप इंसान से यही डंप डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप और कुछ नहीं कर सकते। आई एम जस्ट फीलिंग सैड कि अभी आई थी और आई डोंट नो क्या प्लान थे गॉड्स के कि ये सब हुआ। तू बहुत गंदा खेलता है भाई, भाई तू बहुत गंदा खेलता है। अगर मेरी बड़ी बहुत गंदा खेलता है तू, गंदा कुछ नहीं सब खेल रहा है, खेल के दिखा रहा था आज तो बचाने का तो बाहर है, तू सबसे गंदा खेलता है इधर। अच्छा सुबह जब सब तेरी ले रहे थे ना तब यही खड़ी थी मैं, तुझे समझाया भी अलग से जाके कि भाई तेरा अलग जा रहा है, मुझे आके बोल रही थी तेरे बारे में, मत लड़ मत लड़ मत लड़, और तूने उसी को उड़ाया। आर्ट टू बकवान, मेरा इससे ज्यादा अच्छा बॉन्ड है। आई एम सॉरी, उसको बचाया उसके साथ उस। चुप कर यार, तेरी कुछ भी सुननी भी नहीं है, चुप कर, मत सुन। अच्छा हुआ मैंने तेरे को, चुप रह, ठीक है, चुप रह, तू मेरे को नहीं बताएगा, अच्छा हुआ मैंने ये किया, चुप रह, तू मेरे को नहीं बताएगा, चुप रह इधर ही, नहीं बोला था, पर अब बोल रहा तू चूतिया है, चूतिया है, उधर मत जा, तू इधर आ जा, तू इधर आके बात कर, अनिकेत क्या कर रहा है यार, गाली देने ना, मार पिटाई क्यों कर रहा है, तू रिलैक्स रहे यार, तू इधर मारना नहीं है, कह रहा हूँ ना मैं, चलो ऊपर। Like to say something, if I'm allowed. Yeah. मेरा सभी के साथ बात हो रखा है अभी, but if I see about connection, I just have with her, and अगर वो जा रही है तो even I don't have any reason to be here. I'll be going with her. भाई ये कोई logic नहीं है, पागल है क्या? नहीं नहीं. Because मेरा मेरा connection नहीं है. अभी कोई time ही नहीं हुआ है, नहीं नहीं. It's not, it's, that's, you know, it's a very rare moment that someone leaves with someone and then that has to be that you've proved to us that you are completely in love with that person. And I don't think that that's a connection that you two have. He told, he made that statement very clear ki wo mere wajah se isko nikal rahi hai. So, इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, I'm very sorry for that. But if you two actually like each other, she's actually not gonna want you to leave. Not just because of you, bro. She won't want you to stay. It was because of me. So, unfortunately, Ishita, for now, it's time for you to say goodbye to everyone. So I know, you know, there's been a lot of sadness today. But along with that, there's also been some joy, some happiness. And in our very first dome session, we have got our first ideal match. Yay! Okay. And you guys have made it through your first dome session. So, yay. Huge round of applause aap sab ke liye. And excuse us, please. Goodbye. Good night. Bye. See you later.